दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रहे एक्टर ऋषि कपूर की पत्नी बला की खूबसूरत हैं और वह भी बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री रह चुकी हैं। देखकर आप भी एकदम चौंक जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऋषि कपूर अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो बहुत सारे अभिनेता अपने समय में अभिनय और काम की वजह से काफी पॉपुलर होते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बन जाती है, लेकिन वहीं ऋषि कपूर जैसे अभिनेता सालों बाद देखे जाते हैं जो कि एक्टिंग को अपने पैशन के तौर पर लेते नजर आते हैं। खूबसूरत अभिनेता होने के साथ ही ऋषि कपूर खूबसूरत और बेबाक इंसान भी दिखाई देते हैं जो कि अपनी हर एक बात को बिना डरे कहने में यकीन रखते थे। फिर चाहे उनकी फिल्म के लिए किसी विषय की सिलेक्शन हो या फिर कोई डिबेट, ऋषि कपूर हमेशा अपनी बात पूरे जोर से रखने में यकीन रखते थे। लेकिन अगर बात ऋषि कपूर के निजी जीवन के बारे में करें तो उनकी पत्नी भी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में जो कि अमर अकबर एंथनी और खेल खेल में जैसी बड़ी फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभा चुकी हैं। ऋषि कपूर ने खुद कई बार इंटरव्यू में बताया कि नीतू सिंह के साथ उनकी लव स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल एक फिल्मी स्टोरी की तरह हुई थी। साल 1974 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने पहली बार जहरीला इंसान फिल्म में एक साथ काम किया था और वहीं से उनके बीच काफी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन ऋषि कपूर उस समय नीतू से प्यार नहीं करते थे, लेकिन दोस्त के तौर पर वह मिलते रहते थे और नीतू की कंपनी उन्हें काफी अच्छी लगती थी। ऋषि कपूर बताते रहे हैं कि एक बार वह विदेश में फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे और वहां वह अपना ध्यान शूटिंग में नहीं लगा पा रहे थे और एक जगह जब अकेले बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि यह बार बार मुझे सिखने क्यों याद आ रही है। जी हाँ, वह नीतू सिंह की ही बात कर रहे थे क्योंकि नीतू सिंह एक सिख परिवार से संबंध रखती हैं और एक्टिंग के फील्ड में आने के बाद ही वह ऋषि कपूर से पहली बार मिली थी। विदेश से वापस आकर ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से बात की और कहा कि वह उन्हें सिर्फ डेट करेंगी लेकिन शादी नहीं कर पाएंगे और नीतू सिंह ने हाँ कर दी क्योंकि वह भी ऋषि कपूर को पसंद करती थी। लेकिन कितनी देर तक ऋषि कपूर शादी से टल पाते और साल 1980 में ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से खुद शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने नीतू सिंह को फिल्मों में काम करने नहीं दिया लेकिन उन्हें हर एक खुशी दी। और आज ऋषि कपूर के इस दुनिया से जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख नीतू सिंह को ही हो रहा है क्योंकि वह उनके लिए सच्चे जीवन साथी और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो दोस्तों, आपको ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू सिंह की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।